रेणु अपने कॉलेज जा रही थी, लेकिन आज उसका मन ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी वह मन मार कर कॉलेज गई, क्योंकि कॉलेज में आज एक बहुत महत्वपूर्ण सेमिनार था। उसके छोटे भाई की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसका मन भाई के तबीयत पर ही टिका हुआ था। रेणु और उसका भाई पवन सतना के एक महाविद्यालय में पढ़ते थे। यहाँ वो किराए के एक कमरे में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे थे। रेणु और पावन की बिल्कुल भी नहीं बनती थी, दोनों आपस में चूहे बिल्ली की तरह लड़ते थे। दोनों के मम्मी पापा गांव में रहते थे तथा खेतीबाड़ी का काम करते थे। वो दोनों इन भाई बहन की लड़ाई से परेशान भी रहते थे और चिंतित भी रहते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से पवन की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए दोनों के बीच लड़ाई का कोई कारण ही नहीं था। पवन बुखार से पीड़ित बिस्तर में पड़ा रहता था, न ज्यादा बोलता था। रेणु हमेशा गुस्से में पवन के मर जाने की कामना किया करती थी, पर यह सब वह गुस्से में कहा करती थी। रेणु को सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चीजें पसंद थी। पवन एक तो घर में सबसे छोटा और लाडला था तथा लापरवाह भी था, जिसकी वजह से कमरे में चीजें यहाँ से वहाँ अव्यवस्थित कर दिया करता था और रेणु की कई काम की चीजें घुमा दिया करता था, जिसकी वजह से दोनों के बीच में लड़ाई हुआ करती थी। कई बार रेणु गुस्से में पवन के लिए बुरा भला बोला करती थी। एक बार रेणु का पेन नहीं मिला रहा था, जिसके बाद दोनों भाई बहन की जाम कर लड़ाई हुई। बाद में रेणु गुस्से में कहती है कि भगवान ये मर क्यों नहीं जाता, मेरा जीवन बर्बाद करके बैठा है। गुस्से में ऐसी बातें वह कई बार बोल दिया करती थी। पवन ये सब सुनकर मुस्कुरा देता और बहन को चिढ़ाकर भाग जाता। भाई बहन का प्यार क्या होता है, इन दोनों को नहीं पता था, लेकिन जब से पवन की तबीयत खराब हुई थी, रेणु को लगता था कि उसी के अनाप स्नप बोलने की वजह से पवन की तबीयत खराब हुई है, इसलिए उसे अपने ऊपर भी बहुत गुस्सा आ रही थी। वह इस समय अपने भाई की पूरी मन से सेवा कर रही थी, जिससे वह ठीक हो जाए। इसके अलावा अब वह भगवान की पूजा भी करने लगी और कॉलेज के बगल में हनुमान मंदिर में जाकर अपने भाई की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती। मंदिर के पंडित ने बताया कि बुधवार के दिन व्रत करने से जिसके लिए व्रत रखो वह स्वस्थ हो जाता है। यह सुनकर रेणु ने बुधवार के दिन भी व्रत रहने लगी। पवन को जब पता चला कि रेणु इस समय उसके स्वस्थ होने के लिए व्रत रहती है, तो उसके मन में अपने बहन के प्रति श्रद्धा बढ़ गई और उसने भी अपने मनोबल को बढ़ा लिया कि वह भी जल्दी ठीक हो जाएगा, जिससे उसकी पेटू बहन को व्रत न रहना पड़े। और धीरे धीरे कुछ ही हफ्तों में पवन ठीक हो गया। रेणु बहुत खुश हुई और उसने मन ही मन निश्चय किया था कि अगर भाई ठीक हो जाएगा तो वह मैहर में शारदा माँ के दर्शन करने जाएगी। कुछ दिन बाद वो दोनों फिर से लड़ रहे हैं। आखिर भारत में भाई बहन का प्यार का मतलब ही है कभी एक दूसरे से लड़ना, तो कभी एक दूसरे के लिए दूसरों से लड़ना, तो कभी एक और बैट के लिए लड़ना।